आज तक हमने कई जगह का सफर रेलगाड़ी से किया है। रेलगाड़ी पर आप भी जरूर कभी ना कभी सफर किया ही होगा। रेलगाड़ी हर स्टॉप में 2-4-10 मिनट के लिए रुकती है और फिर अगले स्टॉप के लिए रवाना हो जाता है। इसी बीच आपने कभी रेलवे स्टेशन पर रुकी रेलगाड़ी के इंजन पर गौर किया होगा तो आपने देखा होगा कि रेलगाड़ी की इंजन हमेशा चालू ही रहती है। भले ही रेलगाड़ी पर सवार सारे सवारी उतरकर पूरे रेलगाड़ी को खाली क्यों ना कर दे, जहां सवारी और ट्रांसपोर्टेशन के दूसरे गाड़ी और व्हीकल्स के ड्राइवर अपने तयशुदा स्टॉप तक पहुंचने के बाद अपने गाड़ियों को कुछ समय के लिए बंद कर देते हैं। यहां तक कि बड़े बड़े हवाई जहाजों के इंजन को भी किसी किसी एयरपोर्ट पर बंद कर दिया जाता है। वहीं रेलगाड़ी के पायलट कभी इंजन को बंद करने की सोचते तक नहीं है, भले ही रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर कितनी ही देर रुकी रहे। आज की इस वीडियो में हम इसके पीछे की राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं कि आखिर पायलट रेलगाड़ी के इंजन को कभी क्यों नहीं बंद करता है, चाहे रेलगाड़ी को 2 मिनट की जगह 2 घंटा प्लेटफॉर्म पर रुकना पड़े या फिर 10 घंटा। और अगर इंजन को बंद कर दिया जाए तो फिर कितनी बड़ी नुकसान हो सकता है। वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। लास्ट में हम ये भी बताने वाले हैं कि रेलगाड़ी के इंजन को आखिर किस समय और कितना समय के लिए बंद किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले हिसाइना नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको हर तरह की जानकारी से अपडेट करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब आगे की बात करते हैं। रीजन नंबर 1, जो सबसे बड़ी वजह है जिसके लिए पायलट कभी इंजन को बंद नहीं करता है, वो है लोकोमोटिव सिस्टम का फेल हो जाना। लोकोमोटिव सिस्टम पूरी रेलगाड़ी को सुरक्षित चलाने में मदद करता है। ये सिस्टम ऑटोमेटेड होता है, जो ईंधन जलाने, बिजली के उपयोग, चुंबकीय उत्तोलन या अन्य तरीकों से एनर्जी पैदा करता है। लोकोमोटिव का इस्तेमाल रेलगाड़ियों को धक्का देने या आगे खींचने के लिए किया जाता है। वहीं अगर रेलगाड़ी के इंजन को बंद कर दिया जाए तो पूरी सिस्टम में गड़बड़ी आ सकती है और पूरा के पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोकोमोटिव सिस्टम को ऑटोमेटिकली काम करने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है। इसी बिजली को सप्लाई करने के लिए इंजन में एक बैटरी लगी होती है और बैटरी चार्ज होने के लिए इंजन का चालू होना जरूरी होता है। इसलिए अगर इंजन को बंद कर दिया जाए तो बैटरी की चार्ज जल्दी खत्म हो जाएगी और फिर लोकोमोटिव सिस्टम फेल हो जाएगा। ये वन ऑफ द रीजंस है कि पायलट कभी इंजन को बंद ना करके हमेशा चालू ही रखता है। रीजन नंबर 2, दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंजन को दोबारा पूरी तरह चालू होने में लगभग 20 मिनट लग जाते हैं और डीजल वाले इंजन में इसी 20 मिनट में लगभग 50 से 60 लीटर फ्यूल बर्बाद हो जाता है। चूंकि इसी 20 मिनट में रेलगाड़ी अगले 2-3 स्टॉप को आसानी से क्रॉस कर सकता है तो फिर भला पायलट क्यों हर स्टेशन में इंजन बंद करके यात्रियों के समय और रेलवे का फ्यूल को बर्बाद करेगा। यह एक सबसे बड़ी वजह है कि पायलट किसी भी स्टेशन में रुकने के बाद इंजन को कभी बंद नहीं करता है। रीजन नंबर 3, तीसरी जो सबसे बड़ी वजह यह है वो है ब्रेक लाइन पर प्रेशर कम हो जाना। जब भी इंजन किसी कारण बंद करना पड़ता है तो रेलगाड़ी के ब्रेक पाइप का पूरी हवा रिलीज हो जाती है, जिस कारण ब्रेक प्रेशर कम हो जाता है। और जैसे ही ब्रेक प्रेशर कम होती है तो पहियों के पास लगा ब्रेक शो जाकर पहियों से चिपक जाता है और रेलगाड़ी पूरी तरह रुक जाती है। और तब तक रुकी रहती है जब तक दोबारा ब्रेक पाइप में हवा भरकर प्रेशर बढ़ाकर ब्रेक शो को पीछे ना किया जाए। ब्रेक पाइप से एक बार हवा रिलीज होने के बाद दोबारा हवा भरने में काफी समय तो लगता ही है, साथ ही में हवा भरने में काफी दिक्कत होती है। यही कारण है कि जब भी रेल की बोगियों से इंजन को अलग किया जाता है तो सबसे पहले ब्रेक पाइप को दोनों तरफ से कस दिया जाता है ताकि हवा बाहर ना निकल पाए, फिर बोगी को इंजन से अलग किया जाता है। बाय द वे, ब्रेक पाइप में दोबारा हवा भरना एक जटिल काम है, इसलिए इंजन को यात्रा के बीच में कभी बंद नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि क्या कभी रेलगाड़ी का इंजन बंद नहीं होता है। ऐसा भी नहीं है कि इंजन बंद ही ना हो। आम तौर पर इंजन को उसी समय बंद किया जाता है जब रेलगाड़ी आराम करने लगते हैं। मेरा मतलब है कि जब एक लंबे समय के लिए रुकना पड़ता है, जैसा कि लॉकडाउन का समय बहुत से इंजन बंद पड़ा था। तो ये थी रेलगाड़ी के इंजन बंद ना करने की पूरी कहानी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे।